आज है पाकिस्तान में इलेक्शन डे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं अपना पहला वोट देने जा रही हूँ। वोट दे रहे हैं पापा, आपने किसको वोट देना है? वोट देना आपका हक है। हर जगह यहाँ पे इलेक्शन की वजह से इतना रश है। हमें हमारी स्लिप मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मानूर फारूक। वेलकम टू अ न्यू डे विद द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, क्योंकि आज है पाकिस्तान में इलेक्शन डे। एंड मैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड इस बात से हूँ कि आई एम गोइंग टू कास्ट माई फर्स्ट व्लॉग दिस टाइम। आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं अपना पहला वोट देने जा रही हूँ, तो बहुत मज़ा आने वाला है, देखते हैं। मुझे तो कुछ खासा पता भी नहीं है कि मतलब क्या सीन होता है, कैसे वोट वगैरह देते हैं और लाइक ऑल दैट, लेकिन चले खैर हम जाएंगे आज वोट देने, बहुत मज़ा आने वाला है। वोट आपका और मेरा तो सीक्रेट होगा, क्योंकि अगर मैंने अपना वोट बता दिया और वो आप उसके सपोर्टर ना हुए तो मुझे कभी कमेंट्स में गालियाँ पड़ने लग जाएंगी। यार मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे तो सिर्फ वोट देना है क्योंकि मेरा पहला वोट है बस, और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे किसी एक पार्टी ने कुछ देना है ना मुझे किसी दूसरी पार्टी ने कुछ देना है। लेकिन चले खैर ये तो बकवास हो गई, बच्चों वाली बातें हो गई। लेकिन सुपर एक्साइटेड, आप लोग भी अपने आईडी कार्ड्स वगैरह अपने साथ लेके चलें और अपना जो हल्का नंबर है वो भी देख के चलें, आपका किधर बना है, कहाँ क्या सीन है। कुछ लोगों का तो मतलब कुछ लोगों के लिए कितना एक हॉलीडे वाला सीन बन गया, क्योंकि हमारा तो मेरा तो मेरे घर के पास ही है, लेकिन कुछ लोगों का उनके अपने होम टाउन में जाके आता है, तो इसी बहाने उनकी भी सही आउटिंग होगी, उनकी वेकेशन चल रही हैं, पूरा वीक की छुट्टियाँ हमें मिली हुई हैं। चलें अब हम बाबा को बुलाते हैं, चलते हैं अपना वोट डालते हैं। आज हम लोग साथ में जाके अपना पहला वोट डाल गए। हमारे साथ पापा है, हम उनसे पूछेंगे कि आप किसको वोट दे रहे हैं। पापा आपने किसको वोट देना है? ये सीक्रेट बातें हैं, वो बताई नहीं जाती। तो बताए ना फिर भी कुछ कुछ, थोड़ा बहुत हिंट दे दे। नहीं नहीं कोई मत, ये सीक्रेट बात है, सीक्रेट नहीं। मामू भी है, मामू आप बता दें आपने किसको वोट देना है। दे दिया आपने, आपका वो थंब कप कहाँ निशान आपका, आपने वोट दे दिया। किसको वोट दिया? तो मैंने भी डाल दिया, तो मेरा क्यों नहीं लगा अभी तक? इमरान खान को दिया आपने। बाबा आपने किसको देना है? बाप बता दे। जिसको आप सपोर्ट नहीं ना कर रहे होंगे वो नीचे के कमेंट्स में गालियां देंगे, इसको क्यों वोट दिया, इसको क्यों दिया? इमरान खान, मतलब जो न्यू जनरेशन है, जो नई यूथ है, वो यही कहती है इमरान खान इमरान खान। तो पापा इसलिए कह रहे हैं मैं साइड हो जाता हूँ पहले, क्योंकि सबको पता है उन्होंने किसको वोट देना। बाबा जो है वो अपना वोट देकर आ चुके हुए हैं, क्योंकि उनका जो है वो पोलिंग स्टेशन हमारे से डिफरेंट था, बाकी हम सबका जो है वो एक जैसा था, लेकिन बाबा का डिफरेंट था। अब अब्दुल्ला से पूछते हैं, अब्दुल्ला की वजह से बहुत बुरी। अब्दुल्ला आओ, आपने किसको वोट देना सर? अब्दुल्ला बताए। पहले तो मेरा कोई वोट है ही नहीं, मैं जो अपनी एज 18 साल हुई है तभी मेरा नहीं आईडी कार्ड। बहुत बेचारे के साथ सही प्रैंक हुआ है, अभी बेचारा अभी इस साल ही 18 का हुआ था और इस साल ही वोटिंग हो गई, अब आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। उस अगर आप किसी को वोट देते तो आप किसको वोट देते? नून लीग देता नवाज शरीफ को इंशाल्लाह। ओह ओके, हर किसी का अपना वोट है, हर किसी के अपने पर्सपेक्टिव है, तो ये कोई किसी को ना कहे कि आपने इसको वोट क्यों दिया, आपने उसको वोट क्यों दिया। मेरा वोट तो बिल्कुल सीक्रेट है, मैं तो बिल्कुल नहीं बताने वाली। हमारे साथ जो मम्मा भी है, मम्मा से पूछते हैं कि मम्मा किसको वोट देने वाली। हाँ जी मम्मा बताएं किसको वोट दे रही हैं आप? वोट तो सीक्रेट है ना, वो तो नहीं ना बताते। ये हर कोई ऐसे ही क्यों कह रहे हैं कि मतलब कोई अपना वोट जो है ना वो डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि इवन मैं भी अपना वोट डिस्कस करने के लिए राजी नहीं हूँ। जिसका जो दिल है, जिसके दो दिल में आ रहा है वो उसको जाके वोट करे। खैर अब हमारे जो है ना बजाने की बारी आ गई है, लाइट को चाबी मेरे हाथ में आ जाए। पूरी दुनिया जो है ना वो वोट देकर आ चुकी है, और हम लोग अब अपने दोपहर में जा रहे हैं बिल्कुल वोट देने के लिए, और बाहर इतना रश है, हर जगह इतना रश है। मुझे हो रहा है कि जहाँ पे हमने जाना है कहीं वहाँ पे भी बहुत ज्यादा रश ना हो, फिर हम क्या करेंगे, लाइनों में लगना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तो फर्स्ट वोट है, मैं तो सीधी लंबी लाइन में भी लग जाऊंगी, आई डोंट माइंड। हर जगह यहाँ पे इलेक्शन की वजह से इतना रश है, इतना रश है। ये देखे जरा, हर जगह वोट के लिए इन्होंने ये सारे बूथ बनाए हुए हैं, यहाँ पे भी आगे भी सारे लोग अपने जो है ना अपने अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ उनके वोट बने हुए हैं वहाँ अपने अपने वोट दे रहे हैं। हमें हमारी स्लिप मिल गई है, अब जाके हमारी बारी है वोट देने जाने की। अंदर तो वो फोन लेके जाने नहीं दे रहे, तो मैं बाहर ही फोन लेके जा रही हूँ, और हम अंदर जाके पहले अपना वोट कास्ट करके आते हैं और फिर मैं आपको आके बताती हूँ आगे। सो फाइनली जो है ना मैंने अपना पहला वोट कास्ट कर दिया है। अंदर उन्होंने मोबाइल लेके जाने नहीं दिए थे, तो हम मुझे जरा अंदर जो अंदर ऊपर से इतना रश था, हम जरा पहले लेट आराम से गए थे तो काफ़ी रश था अंदर, बहुत ज़्यादा मतलब हमें लाइन में पहले लगना पड़ा, जरा बहुत मस्ता हो गया था, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड। फाइनली मैंने अपना फर्स्ट वोट जो है वो कास्ट कर दिया है। अब वोट किसको दिया है, कैसे दिया, ये तो अब सीक्रेट है ना, ये तो अब छोड़ दे, लेकिन लाइनों में बहुत खमार होना पड़ा, क्योंकि तो वोट देने आए थे पास ही मामू का घर था, तो हम मामू की तरफ आ गए हैं, और अब मामू से भी पूछते हैं कि उन्हें कैसा, उन्होंने किसको वोट दिया। और ये रही मेरी कज़न, हेलो हेलो फजर, हेलो हेलो। हमारे साथ मामू भी है, मामू आपने किसको वोट दिया बताएं जरा? मैंने टीएलपी को वोट दिया। टीएलपी कौन है? टीएलपी तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान।
तो क्यों आपने शेर को बल्ले को क्यों नहीं दिया? शेर और बल्ले को नहीं, इस दफा जो है ना मुझे टीएलपी पे जो है ना वो निजामे मुस्तफा के नाम पे उन्होंने वोट मांगा, तो हमारी तरफ से कुछ करें ना करें मैंने इस चीज को नहीं देखा। बस मैंने ये देखा है कि जिस कॉज के लिए उन्होंने वोट जो है वोट मांगा है तो वोट जो है ना इस चीज को का हक अदा करते हैं। तो वोट डाल के हम लोग जो है वो आ चुके हैं। अब वोट का तो पता नहीं कि क्या सीन है, लेकिन मैंने अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया है। हर किसी के अपने पर्सपेक्टिव है, हर किसी की अपनी मर्जी, हर किसी की अपनी चॉइस है, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उनको वोट दिए हैं। आई होप आप लोगों ने भी अपना वोट जो है ना वो समझदारी के साथ कास्ट किया होगा। और ये वोट छोड़ने वाली कोई बात नहीं है कि मैंने वोट नहीं देना, मैंने ये नहीं करना। वोट देना आपका हक है और वोट आपको देना बहुत ज़रूरी है। आपका अपना हक क्यों गंवा रहे हैं? जो आपको अपने अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा है आप जाके उसे वोट दें। तो बस हमारी यही दुआ है कि जो भी आए हमारे मुल्क के लिए बेहतरी लेकर आए, हमारे मुल्क के हक में बेहतर हो। वापसी पे हम लोगों ने अपने लिए ढेर सारी कचर कचर की चीज़ें ले ली हैं। आप बैठ के हम बस यही खाएंगे क्योंकि हमें यही खाना पीना ही आता है बस। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।